हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम इन, ऑन और अंडर इन तीनों के बारे में डिफरेंसेस को क्लेरिफाई करने वाले हैं। तो लुक एंड लर्न द यूज़ ऑफ इन, ऑन, अंडर। तो इन का यूज़ कहाँ पर किया जाता है और ऑन और अंडर इन तीनों का यूज़ किस तरीके से कहाँ कहाँ पर किया जाता है। अ फिश इज इन अ जार। फिश कहाँ है? जार के अंदर है, जार के अंदर है। अ हॉर्स इन अ स्टेबल। इस स्टेबल के अंदर क्या है? हॉर्स है। किसी भी चीज़ के अंदर जो हो उसके लिए इनका यूज़ हम करेंगे। यहाँ पर अ डॉग ऑन अ लॉग। डॉग कहाँ है? लॉग के ऊपर है, तो ऊपर के लिए हम ऑन का यूज़ करेंगे। मे के लिए, किसी चीज़ में हो कोई तो उसके लिए इन का यूज़ करेंगे। ऐसे ही एन एप्पल ऑन अ प्लेट। एप्पल कहाँ है? प्लेट के ऊपर है, ऑन आएगा। अ रैट अंडर अ चेयर। अब कोई चीज़ नीचे होगी उसके लिए हम अंडर का यूज़ करेंगे, अंडर द चेयर। रैट कहाँ है? अंडर द चेयर। अ कैट अंडर द टेबल। यहाँ भी अंडर का यूज़ किसके लिए किया जा रहा है? नीचे के लिए। अ बर्ड इन अ केज। बर्ड कहाँ है? केज के अंदर है। अ मैन अंडर द ट्री। मैन कहाँ बैठा है? अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे बैठा है। जैसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं जिसमें कहा है लुक एट द पिक्चर एंड टिक राइट इन, ऑन, अंडर एज सुइटेबल। तो इन, ऑन, अंडर जहाँ पर भी यूज़ हो हमें उसे फिल करना है। अ कप डैश अ प्लेट। तो कप कहाँ रखा है? प्लेट के ऊपर रखा है, तो हम यहाँ पर ऑन फिल कर देंगे। नेक्स्ट अ बैट डैश अ बैग। बैग के नीचे, नीचे के बारे में हमने अंडर पढ़ा था, तो अंडर अ बैग इसमें फिल कर देंगे। जैसे अ बैट अंडर अ बैग। नेक्स्ट अ बर्ड डैश अ हट। अ बर्ड ऑन अ हट। अ मंकी ऑन अ ट्री। मंकी कहाँ है? तो ट्री के ऊपर है। अ कॉक डैश अ टैप। कॉक कहाँ है? सो अंडर अ टैप। अ पैरट डैश अ केज। अभी हम पढ़ कर आए थे पीछे अ बर्ड इन अ केज, तो अ पैरट इन अ केज हो जाएगा। इन क्यों? क्योंकि ये पिंजरे के अंदर है। आई होप ये आपको समझ आया होगा डिफरेंसेस इन, इन, ऑन, अंडर। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।